विदिशा के पठारी क्षेत्र में निर्माणाधीन हनोता बांध वृहत परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने किसानों से रूबरू होकर उनकी समस्या सुनी। किसानों ने मुआवजा में हो रही देरी, विसंगतियों और डूब क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। इसी दौरान किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसको लेकर कलेक्टर ने मुआवजा संबंधी और अन्य समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। गुरुवार की दोपहर को विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव पठारी भ्रमण पर पहुंचे थे। इस दौरान कलेक्टर बीना नदी पर निर्माणाधीन हनोत बांध वृहत परियोजना का निरीक्षण भी किया। इस दौरान निर्माण एजेंसी विभाग को गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र निर्माण करने की समझाइश भी दी है। विदिशा पठारी से आशीष सैले की रिपोर्ट। इसके लिए आया हूँ, गौशालाएँ भी देख रहे हैं, अभी हम पठारी की गौशाला भी देखेंगे और यहाँ पर जो हनोथा परियोजना है यहाँ पर भी आए हूँ। जो हमारे किसान भाई हैं, इन किसान भाइयों की समस्याओं को भी सुनाएं, जो जो उनकी समस्याएं थी, और हम उन समस्याओं का बिल्कुल निराकरण भी कर भी रहे हैं, उन समस्याओं का को नहीं रहने देंगे। ये जो डैम है ये सागर और विदिशा में मिलाकर के बन रहा है। लगभग हमारे यहाँ 13,000 हेक्टेयर में हमारे सिंचाई होगी। 18 गाँव हमारे इससे प्रभावित हो रहे हैं और 18 गाँव में 9 गाँव ऐसे हैं जो डूब में जाएंगे, आर एन डूब में जाएंगे, इनको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा अलग अलग जगह। 7 गांव का हमारा भूभजन हो चुका है और इन 7 गांव में जो भूभजन हो गया है उसमें किसान भाइयों को पेमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ है, चल रही है। कुछ लोगों को पेमेंट हो रहा है, लगातार होता जा रहा है। 2 गांव है जिसमें धारा 19 की कार्रवाई हो गई है और हम ये प्रयास करेंगे कि जो समस्याएँ किसान भाइयों की आ रही कि सब हमको जो स्थावर संपत्ति है, चाहे इसमें कुआं है, ट्यूबवेल है, इसका बीच में शिकायती मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। यदि सिंचित भूमि है और भू अर्जन अधिनियम के तहत जो नियम है कि स्थावर संपत्ति जिसमें कुआं है या ट्यूबवेल आदि वगैरह, उसका भी मुआवजा किसान भाइयों को मिलेगा। सर, आज आपका यहाँ दौरा हुआ है, बताए थे उसके लिए मैं आज ही जा करके एक समस्या का निराकरण करेंगे कि जो KCC या जो बैंक लोन की किसान भाइयों की समस्या है, इसके लिए हम बहुत जल्दी 5 से 7 दिन में एक बड़ा कैंप लगाएंगे। इसमें बैंकों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, हमारे यहाँ से भी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी यहाँ पर आएंगे ताकि जो किसान भाई उनकी समस्याओं को हम निराकरण कर सकें। पूरा हम कैंप यहाँ पर लगाएंगे और कैंप लगा करके जो समाधान योजना है या जो एकमुश्त समझौता योजना है ताकि किसान भाइयों को जो बकाया है उनको ब्याज का नुकसान कम हो और उस योजना का लाभ ले सकें। आपका सर अचानक दो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।